काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टैली के इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में आप जानेंगे लेजर क्या है तथा जर्नल से लेजर में पोस्टिंग कैसे की जाती है। पिछली वीडियो में हमने जर्नल क्या है, इसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं ये बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमने जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए हैं उनके आधार पर हमसे कोई पूछे कि कुल कितने रुपए नकद आए और कितने रुपए नकद गए और कितने बचे हैं, तो हम क्या और कैसे जवाब देंगे। तो यहाँ हमें जर्नल में कैश अकाउंट से संबंधित एक एक एंट्री को ढूंढना होगा और फिर उनका जोड़ बाकी करके ये बताना होगा कि कुल कितने रुपए नकद आए, कितने गए और क्या बचा है। इस तरह की जोड़ बाकी या हिसाब किताब से बचने का स्थायी समाधान है कि हमने जर्नल में जो ट्रांजैक्शन एंट्रीज की हैं उन्हें छांटकर यानी उन्हें क्लासिफाई करके उनकी पोस्टिंग संबंधित अकाउंट में कर दें। इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे जर्नल में कैश अकाउंट से संबंधित जितने भी ट्रांजैक्शन हैं हम उन्हें छांट लेंगे और फिर एक एक करके उनकी पोस्टिंग कैश अकाउंट में कर देंगे। और इसी तरह जर्नल की सभी एंट्रीज छांट कर यानी उन्हें क्लासिफाई करके उनकी पोस्टिंग संबंधित अकाउंट में कर देंगे। टैली की इस वीडियो सीरीज में हमने आपको पहले बताया था कि अकाउंट यानी खाता क्या होता है। चलिए एक बार फिर आपको समझा देते हैं कि खाते क्या होते हैं। जब किसी व्यक्ति विशेष वस्तु सेवा या आय व्यय इत्यादि से संबंधित समस्त लेन देन एक निश्चित स्थान पर तिथिवार और नियमानुसार रखे जाते हैं तो उसे खाता यानी अकाउंट कहते हैं। किसी भी खाते के दो पक्ष होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड लेफ्ट की तरफ होता है और क्रेडिट साइड राइट की तरफ होता है। इसका प्रारूप भी हम फिर से बता देते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से होता है। जब बहुत सारे अकाउंट किसी पुस्तक में रखे जाते हैं तो उस पुस्तक को लेजर कहते हैं और हम अपने सभी खातों को एक स्थान पर बना रहे हैं तो ये स्थान हमारा लेजर कहलाएगा। हमारी पहली एंट्री कैपिटल अकाउंट से संबंधित है तो पहले हम कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ये देखिए, हमारा कैपिटल अकाउंट बन गया है। अब हम देखते हैं कि जर्नल में कैपिटल अकाउंट से संबंधित कितनी एंट्रीज हैं। जर्नल में कैपिटल अकाउंट से संबंधित एक ही एंट्री है तो हम उसकी पोस्टिंग कैपिटल अकाउंट में कर देते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें कि हम जिस भी एंट्री की पोस्टिंग करेंगे वो जर्नल में यदि क्रेडिट की है तो अकाउंट में भी उसकी पोस्टिंग क्रेडिट में ही होगी, और यदि जर्नल में वो एंट्री डेबिट की है तो अकाउंट में उसकी पोस्टिंग डेबिट में ही होगी। ये देखिए, हमारी पहली एंट्री में कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपए से क्रेडिट हुआ है और हम जिस अकाउंट में पोस्टिंग करने जा रहे हैं उसका नाम भी कैपिटल अकाउंट है। तो क्या यहाँ कैपिटल अकाउंट के अंदर 1,00,000 रुपए कैपिटल अकाउंट के ही क्रेडिट करेंगे? ये तो ठीक नहीं लग रहा है। और ऐसा करते भी हैं तो इस अकाउंट में देखने से ये मालूम नहीं पड़ता कि हम जिस एंट्री की पोस्टिंग कर रहे हैं उसका प्रभावित होने वाला दूसरा पक्ष कौन सा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ दूसरा पक्ष कैश है, तो इसका समाधान ये है कि हम इसकी पोस्टिंग तो क्रेडिट में ही करें, सिर्फ इस एंट्री के साथ प्रभावित होने वाला जो दूसरा अकाउंट है, जो कि यहाँ पर कैश अकाउंट है, उसका नाम यहाँ लिख दें। हमने इस एंट्री की पोस्टिंग कर दी है, उसकी पहचान के लिए हम इसका कलर येलो कर देते हैं।
अब हम कैश अकाउंट बना लेते हैं और जर्नल में कैश से संबंधित जितनी भी एंट्रीज है उन्हें देख लेते हैं। ये देखिए, कैश से संबंधित सारी एंट्रीज को हमने हाईलाइट कर लिया है। अब हम कैश की पहली एंट्री ले रहे हैं, ये डेबिट की एंट्री है, तो हमें इसकी पोस्टिंग तो कैश अकाउंट में डेबिट में ही करनी है, सिर्फ पर्टिकुलर में हम दूसरे पक्ष का नाम लिख देंगे। इसी तरह कैश अकाउंट से संबंधित बाकी सभी एंट्रीज हम कर लेंगे। हमने कैश अकाउंट से संबंधित सभी एंट्रीज की पोस्टिंग कर ली है और अब इसी तरह बाकी सभी अकाउंट बनाकर उन अकाउंट्स में जर्नल से पोस्टिंग कर देंगे। हमारी जर्नल की सभी पोस्टिंग उनसे संबंधित अकाउंट्स में यानी लेजर में हो गई है। अब हम एक बार देख लेते हैं कि कोई एंट्री छूटी तो नहीं है। ये देखिए, यहां पर सभी ट्रांजैक्शन पीले दिखाई पड़ रहे हैं, यानी सभी पोस्टिंग हो गई है। अब हम इन सभी अकाउंट्स के दोनों पक्षों की जोड़ लगा लेते हैं, साथ ही दोनों पक्षों का डिफरेंस भी निकाल लेते हैं। यही डिफरेंस इन अकाउंट्स का बैलेंस कहलाता है। देखिए, कैपिटल अकाउंट में एक ही एंट्री है, इसका मतलब यही इसका बैलेंस है। अब कैश अकाउंट के दोनों पक्षों का जोड़ लगाकर जिस ओर का टोटल ज्यादा है उसमें से कम वाला अमाउंट घटा देते हैं, ये इस खाते का बैलेंस आ गया है। इस तरह अब हमसे कोई कैश अकाउंट के बारे में पूछे तो हम बता सकते हैं कि हमारे पास कुल 1,75,000 रुपए आए, जिसमें से 88,100 रुपए चले गए और 86,900 रुपए शेष हैं। अब हम इसी तरह जोड़ बाकी करते हुए नीचे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, यहाँ पर परचेस अकाउंट में दो एंट्रीज है, इन दोनों की जोड़ ही इस खाते का बैलेंस कहलाएगा। अभी हमने सारे खातों का बैलेंस देख लिया, अब आगे समझते हैं। टैली में हमें पोस्टिंग का काम नहीं करना पड़ता है। जब हम अलग अलग वाउचर के माध्यम से जर्नल एंट्रीज करते हैं तो उसके साथ ही पोस्टिंग भी अपने आप हो जाती है। इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ट्रायल बैलेंस क्या है तथा हमने लेजर में जो पोस्टिंग की है उसके आधार पर हम तलपट यानी ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं।